Hello everyone. Our today's topic is Policy Initiatives for Gender Equality and Women Empowerment in India. भारत में नारी सशक्तिकरण और लिंग समानता के लिए नीतियों की पहल. देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी में मोस्ट डिसएडवांटेज्ड या डिप्राइव्ड सेक्शन, या हम यूं कह सकते हैं कि लाभ से वंचित वर्ग जो है वो स्त्री वर्ग ही है. यह वर्ग पॉलिटिकली भी पावरलेस है, इकोनॉमिकली वुमेन्स आर डिपेंडेंट इवन, और सोशली यह वर्ग अधीन माना जाता है. दिस वुमेन क्लास इज कंसीडर्ड एज डिफीटेड क्लास. सो वुमेन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हमने देखा था कि ओल्डन डेज में या वैदिक पीरियड में वुमेन एंजॉयड हायर स्टेटस इन द सोसाइटी. दे मूव्ड एवरीवेयर विदाउट एनी फियर. लेकिन उसके बाद मुगल एरा में हमने देखा दैट वुमेन वर अंडर द वेल. उन्हें पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ता था. देन वी हैव सीन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड that status of woman was not so good, but a little bit reforms took place due to the efforts of missionaries and some Indian social reformers. Lekin after independence, gender equality ko maintain karne ke liye jo efforts kiye gaye, vyavaharik roop se wo itne safal nahi hue. Phir 1950 ko India ki democracy ko accelerate karte hue भारतीय समाज को विकसित करने हेतु प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान्स शुरू किए गए, और इन 5 ईयर प्लान्स में वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी व इक्विटी को प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि वुमेन वर आल्सो कंसीडर्ड एज ग्रेट असेट टू द नेशन. तो इस तरह गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए बहुत सी स्कीम्स और प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक डेमोक्रेटिक और प्रॉस्परस सोसाइटी को एंश्योर करने के लिए मेनली 3 मेन पॉलिसीज डेवलप की गई हैं, विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज. अब ये 3 मेन पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, लेट्स सी. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स, संवैधानिक व वैधानिक सुधार. नेक्स्ट वन इज प्लान्ड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर नियोजित विकास. देन नेक्स्ट इज स्टेट सपोर्ट टू सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए राज्य का समर्थन. नाउ सी, हम देखते हैं कि जो भी ये पॉलिसीज बनाई गई वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, तो सबसे पहली पॉलिसी, जैसे हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन के लिए सिर्फ और सिर्फ जेंडर इक्वालिटी ही प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि जेंडर इक्विटी को भी सुनिश्चित करता है. Moreover, National Commission for Women was set up by an Act of Parliament in 1990, जिससे वुमेन के राइट्स और लीगल एंटाइटलमेंट्स को सुरक्षित रखा जा सके. और नेक्स्ट पॉलिसी की बात हम करते हैं, दैट इज प्लान्ड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी. तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर भी नियोजित विकास को संभव बनाया जा रहा है. इट इज थॉट दैट रूट कॉज ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज पॉवर्टी ओनली, सो प्लान्ड डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए पॉवर्टी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. एंड दिस प्लान्ड डेवलपमेंटल पॉलिसी, दिस हैड वेरी सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर वुमेन ऑल्सो. देन नेक्स्ट पॉलिसी, दैट इज स्टेट सपोर्ट टू सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज. तो सामाजिक कल्याण के लिए जो राज्य का समर्थन रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो इन द फॉर्म ऑफ 5 ईयर प्लान्स रहा है. फर्स्ट स्टेप टेकन टू सोशल वेलफेयर इज फ्रेमिंग 5 ईयर प्लान्स. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 5 ईयर प्लान्स के वो पायोनियर माने जाते हैं, जिन्होंने प्लान्स में
इन 5-year प्लान्स में वुमेन, चिल्ड्रन और ट्राइबल के वेलफेयर पर बहुत जोर दिया। मोरोवर प्लानिंग कमीशन ने वुमेन्स डेवलपमेंट हेतु एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। नाउ लेट्स थ्रो लाइट ऑन द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देखिए, ईयर 2001 को वुमेन एम्पावरमेंट ईयर कहा जाता है क्योंकि 2001 में वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए नेशनल पॉलिसी को फ्रेम किया गया। इस नेशनल पॉलिसी में किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया? सो उनमें से मेन है कि वुमेन को इक्वल हेल्थ केयर सपोर्ट करना, सिस्टम प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन हर स्तर पर उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, कैरियर और वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इक्वल रिम्यूनरेशन एंश्योर करना वुमेन के लिए, देन सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी। तो इन सभी फील्ड्स में वुमेन की इक्वल एक्सेस एंश्योर करना, उनकी मैन के तरह ही समान पहुंच सुनिश्चित करना। देयर आफ्टर जो हमारा लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना सो दैट कि किसी भी तरह की अगर वुमेन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसे एलिमिनेट किया जा सके। मोरओवर, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड। ऑल्सो वुमेन की डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज के द्वारा कंफर्टेबल एनवायरमेंट क्रिएट करना सो दैट कि वुमेन अपने स्टेटस को अपलिफ्ट कर सके और समाज में अपनी पहचान बना सके। देयर आफ्टर डिफरेंट स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड, डिफरेंट प्रोग्राम्स आर बीइंग अंडरटेकन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो नाउ लेट्स थ्रो लाइट अपॉन दिस डिफरेंट प्रोग्राम्स की वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी स्कीम्स और प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वावलंबन प्रोग्राम की। देखिए, स्वावलंबन प्रोग्राम, इसे पहले वुमेन्स इकोनॉमिक प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता था। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1982-83। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि स्वावलंबन प्रोग्राम मींस हमने वुमेन को स्वावलंबी बनाना है। स्वावलंबी मींस सेल्फ डिपेंडेंट, हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा होने देना है उन्हें। हमें उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिससे कि वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, वो अपनी आजीविका खुद कमाने के काबिल बन सके। स्वावलंबी इनफैक्ट मींस व्हेन वन इज फुल्ली कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो वुमेन को भी स्वावलंबी या हम कहेंगे आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ही ये स्वावलंबन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया और इम्प्लीमेंट अभी भी किया जा रहा है। तो हाउ कैन वी मेक द वुमेन इंडिपेंडेंट, उनको सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाया जाता है? सो फॉर दैट सेक वुमेन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग एज वेल एज द स्किल्स सो दैट वो एम्प्लॉयमेंट को ऑब्टेन कर सके या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो व्यावसायिक कौशलों का विकास करने हेतु ये स्वावलंबन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें महिलाओं का अलग अलग व्यवसायों के संदर्भ में कौशलों का विकास किया जाता है और इस तरह से वुमेन बिकम्स एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड बाय देयर ओन। देयर आफ्टर नेक्स्ट स्कीम टू एम्पावर द वुमेन, दैट इज सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब देख लीजिए, ये भी कुछ स्वावलंबी प्रोग्राम की तरह ही है जिसमें कि वुमेन को ट्रेनिंग दी जाती है। दिस इज सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसमें भी वुमेन को ट्रेनिंग दी जाती है और विभिन्न व्यवसायों संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है एंड दिस इज मेड सक्सेसफुल बाय डेवलपिंग देयर
skills regarding specific profession or the occupation. Thereafter, swashakti. अब देखिए, जैसे नाम से ही हमें ये विदित हो रहा है कि स्वशक्ति मीन्स ऐसा प्रोग्राम, ऐसी स्कीम जिसमें कि वुमेन को अपनी शक्ति की पहचान करने का अवसर देना है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का एक इनिशिएटिव है वुमेन के लिए कि जिसमें वुमेन को ये एहसास दिलाना है कि दे आर पावरफुल, वो स्वयं शक्ति सिद्ध हैं, वो अपने आप में ही एम्पावर्ड हैं, लेकिन जो शक्ति उनके अंदर छिपी है उस शक्ति को बाहर निकालना है. दिस कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. तो उनको शिक्षित करना है, तो उनको शिक्षित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एम्पावर्ड बनाने के लिए, उनको सोशली यू नो लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप करने के लिए, पॉलिटिकली भी उनको एम्पावर करने के लिए, आगे लाने के लिए जो स्कीम तैयार की गई या जो तरीका सोचा गया वो ये सोचा गया कि वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएं. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, वुमेन्स का एक ग्रुप बनता है जिसमें कि वुमेन्स इकट्ठी होकर आपस में म्यूचुअल हेल्प करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं. म्यूचुअल एड भी इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है, म्यूचुअल हेल्प भी इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है, सपोर्ट ग्रुप भी इस ग्रुप को कहते हैं. तो इसमें वुमेन एक दूसरे की सहायता करती हैं, इधर फिजिकली और इकोनॉमिकली. सो दिस वे हर वुमेन को आगे आने का मौका मिलता है और जो भी उनकी नीड्स होती हैं, अपनी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर लेती हैं, फुलफिल कर लेती हैं. देयर आफ्टर नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, दैट इज स्वयं सिद्धा. स्वयं सिद्धा में भी दिस इज इनफैक्ट एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. तो इस प्रोग्राम के तहत भी वुमेन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, एक ऐसा फोरम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सके, उन्हें स्किलफुल बनाया जा सके. देयर आफ्टर सपोर्ट सर्विसेज. अब सपोर्ट सर्विसेज इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है कि इसमें ऐसी सहायक सेवाएं प्रदान की जाती हैं वुमेन के लिए जिससे उनका विकास हो सके, जिससे वो समाज में अपनी पहचान बना सके और अपना विकास सुनिश्चित कर सके. तो इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है, जितनी भी वर्किंग वुमेन होती हैं तो वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, हॉस्टल्स बनाए जाते हैं. जैसे ऑब्वियसली अब हम बात करते हैं कि वुमेन को एम्पावर करना है, वुमेन को एम्पावर कैसे करें, तो वुमेन को एजुकेट करना है, वुमेन को एजुकेट करके उनको स्किलफुल बनाना है. जब वुमेन स्किलफुल बन जाती हैं, देयर आफ्टर दे हैव टू गो टू द वर्किंग फील्ड. Whenever they will enter in the working field, so they may be in the state to leave their home. तो जब वो घर से बाहर आती हैं, बाहर आकर जब वो अपनी working field में enter करती हैं, तो उनके लिए रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता महसूस की जाती है, so that कि वो वहाँ पर safe रह सकें. तो इसके लिए जो working woman हैं, working woman के लिए hostel construct करने का कार्य जो है वो एनजीओस को सौंपा गया है. गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कंस्ट्रक्टिंग द हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन. एनजीओस भी इस दिशा में काम कर रही हैं और दूसरी बहुत सी कोऑपरेटिव बॉडीज हैं, वो भी इस दिशा में काम कर रही हैं. तो गवर्नमेंट इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल एड भी देती है जो वुमेन के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए इस तरह के हॉस्टल्स बनाती हैं. और जो ये वर्किंग हॉस्टल, वर्किंग वुमेन के लिए जो ये हॉस्टल्स होते हैं, those are with the daycare centers for children. उनके बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए you know ये centers भी तैयार किए जाते हैं वहां पे working women के, अगर बच्चे हैं तो उनके बच्चे भी वहां पर सुरक्षित रह सकें. Thereafter, relief, protection and rehabilitation to women in difficult circumstances. इस प्रोग्राम को स्वाधार के नाम से भी जाना जाता है. तो स्वाधार में ये है कि वुमेन को अपना आधार स्वयं बनाना है. अपना आधार मींस अपना बेस, लाइफ में उनको अपना बेस स्वयं बनाना है. बेस इन द सेंस, अब देखिए, जो भी वुमेन्स विक्टिम होती हैं या जो भी मुश्किल परिस्थितियों से जूझने के बाद वुमेन जो हेल्पलेस हो जाती हैं, जो निराश्रित हो जाती हैं, तो उन्हें राहत देना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें
पुनर्वास प्रदान करना, उनके पुनर्वासन की व्यवस्था करना, इस हेतु ये प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी ऐसी हेल्पलेस वुमेन होती हैं, जो भी ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रही वुमेन होती हैं, जो कि अकेली पड़ जाती हैं समाज में, जिन्हें कि परिवार के द्वारा नकार दिया जाता है, निग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो उन्हें क्लिनिकल, लीगल और दूसरा जो भी सपोर्टिव सिस्टम उनको अपने विकास हेतु, अपने पुनर्वासन हेतु जिस भी सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत होती है उसकी व्यवस्था करना। मोरोवर जितनी भी विडोज होती हैं जो कि परिवार के द्वारा त्याग दी जाती हैं, नकार दी जाती हैं, निग्लेक्ट कर दी जाती हैं, निकाल दी जाती हैं, तो ऐसी वुमेन को भी एक शेल्टर प्रोवाइड करना। मोरोवर वुमेन प्रिजनर्स रिलीज्ड फ्रॉम जेल, किसी भी कारणवश अगर कोई वुमेन अपराधी बन जाती है, कोई अपराध करती है, तो जब वो जेल से छूटती हैं तो उसके बाद उनके पुनर्वासन हेतु उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना। और कोई भी नेचुरल डिजास्टर की विक्टिम कोई वुमेन है, या ट्रैफिक्ड कोई वुमेन है, या टेररिस्ट की विक्टिम कोई वुमेन है, या डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम कोई वुमेन है, वुमेन विक्टिम है, या मेंटली चैलेंज्ड है, या कोई वुमेन एचआईवी या एड्स से ग्रस्त है, तो ऐसी वुमेन को जो हेल्पलेस हो गई हैं, जो होमलेस हो गई हैं, उन्हें होम प्रोवाइड करना, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना। देयर आफ्टर वी कैन ऑल्सो एड इन दिस दैट 129 शेल्टर होम्स आर फंक्शनिंग इन द कंट्री। और इन सभी शेल्टर होम्स में क्या किया जाता है, तो जो ये वुमेन होती हैं, जिनका की जो कि अपना पुनर्वासन कर रही होती हैं, दोबारा से अपने जीवन को शुरू कर रही होती हैं, अदरवाइज एक बार वो समाज के द्वारा त्याग दी गई होती हैं, लेकिन अब वो दोबारा से उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता है समाज के द्वारा, एनजीओस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा रिहैबिलिटेशन का, तो उन्हें उन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, उन अपने उनके लिए बनाए गए शेल्टर होम में ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम की व्यवस्था की गई होती है, और उनके कौशलों के विकास हेतु भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सो दैट कि वो कुशल बने और अपनी आजीविका कमाने के काबिल बन जाए। तो इस तरह से ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जो कि वुमेन की एम्पावरमेंट में बहुत योगदान देती हैं। देयर आफ्टर सर्टन मेजर पॉलिसीज और द एक्ट्स दैट हैव बीन फ्रेम्ड, दैट हैव बीन फॉर्म्ड फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, उसमें बहुत से एक्ट्स हैं, तो मेजर मेजर एक्ट्स पे हम प्रकाश डालते हैं। दीज आर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट के द्वारा, जैसे हमने पहले भी कहा कि मेन तीन पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपनाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, तो उसमें हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो लीगल रिफॉर्म में यही आता है कि पहले क्या था, पहले वुमेन के पास, वुमेन को किसी भी कार्य को करने का अधिकार नहीं था, उन्हें घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें लैंड को, प्रॉपर्टी को ओन करने की का राइट नहीं था, उन्हें वोट देने का राइट नहीं था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का राइट नहीं था। तो उसी संदर्भ में वैधानिक सुधार भी किए गए। तो जैसे वुमेन को हमने बात कही कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, होल्ड करने का राइट नहीं था, तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत This was the new right for women to inherit agricultural land and strengthened the rights of daughters in the joint family property. Next act we can talk about the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. So this we have already explained ki kuch women jo hai wo domestic violence ka shikar hoti hain, to उन वुमेन को राहत दिलाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, और अपराधी को अकॉर्डिंगली सजा दी जाती है, सो दैट कि ये इन वुमेन्स को इन उन अपराधों से बचाया जा सके। सो इस तरह से वी कैन सी दैट देयर आर मैनी पॉलिसीज, मैनी प्रोग्राम्स एंड मैनी स्कीम्स दैट आर बीइंग अंडरटेकन
जो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, इम्प्लीमेंट की जा रही हैं वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए एट एवरी स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो वी ऑल नीड, व्हाट डू वी नीड टू एंश्योर दिस, दैट दिस यू नो प्लेटफॉर्म और द फोरम दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द वुमेन बाय द गवर्नमेंट, बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो इसके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज हमने बनाई है, प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, लेकिन वो पेपर तक ही सीमित ना रहे कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्कीम, उसके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है. सो दैट कि हम जेंडर इक्वालिटी को समाज में एंश्योर कर पाए और वुमेन को एम्पावर कर सके. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिसी इनिशिएटिव रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.